कड़ाके की ठंड में बैंक के बाहर था बसेरा। अवरध आश्रम पहुंची महिला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की काट तहसील में स्टेट बैंक के बाहर बुजुर्ग महिला कई दिनों से दिन में घूमती थी और इधर उधर मांग कर पेट भरती थी। रात में उसका रेन बसेरा बैंक के बाहर ही होता था। इसकी सूचना कुछ लोगों ने हेल्पलाइन से सरकार को दी। वहां से सेवियर्स ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की संस्थापिका शालिनी भारद्वाज को सूचना मिली तो वह संयोजक कुशांग गुप्ता संग काट पहुंची और थाना पुलिस से बुजुर्ग महिला कोपरा का आश्रम पहुंचाने के लिए परमिशन और सहयोग मांगा। इसके बाद 3 जनवरी को काट पुलिस के सहयोग से बुजुर्ग महिला को मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित वृद्ध आश्रम में पहुंचाया। इस संबंध में जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि संजय महिला आपको कहाँ मिली थी? जी, मेरे को महिला यहाँ पे हमारे पास लखनऊ से इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक महिला काट में सड़क पर पड़ी हुई है, तो उन्हें जाके जल्द से जल्द रेस्क्यू करा जाए। तो हम लोग वहाँ रेस्क्यू करने गए हैं, तो वहाँ पे रेस्क्यू करके हम लोग आज पुलिस की मदद से, पुलिस वाले भी हमारे साथ आए हुए हैं, उनकी मदद से आज हमने वृद्ध आश्रम में यहाँ पे उनको दाखिल कर दिया। आपका? मेरा नाम शालिनी भारद्वाज है, मैं सेवियर्स ऑफ ह्यूमैनिटी की संस्थापिका हूँ। और आज हम लोग, मतलब कल भी गए थे हम, हमारे पास लखनऊ हेल्पलाइन नंबर से कॉल आई थी प्रियांशु कदूसिया जी की। उन्होंने हमें बताया कि कांट में एक महिला 1.5 महीने से स्टेट बैंक के सामने पड़ी हुई है और आप उसको रेस्क्यू करके किसी वृद्धाश्रम में पहुँचा दीजिएगा। तो हम लोग कल गए थे उनको रेस्क्यू करने के लिए। हम शाम तक कोशिश की हमें कि पुलिस से परमिशन मिल जाए, क्योंकि हम बिना पुलिस की परमिशन के उनको लेकर नहीं आ सकते थे। कल को कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाता तो वो नहीं हो पाया। फिर हम आज दोबारा फिर गए और पुलिस से परमिशन लेने के बाद हम उनको यहाँ पर वृद्धाश्रम में लेकर आए हैं। और यहाँ पर उनको हमने जो भी जितनी भी सरकारी प्रक्रियाएँ हैं कम्प्लीट कर दी हैं और यहाँ रखवा दिया है। और अच्छे से अच्छा महसूस कर रही हैं वो। और ईश्वर ने चाहा तो जो थोड़ा बहुत भी उनकी जो मानसिक स्थिति गड़बड़ है वो भी ठीक हो जाएगा जब उनको टाइम से खाना मिलेगा, टाइम से सोने और ढंग से ओढ़ने बिछाने को मिलेगा। मैं आपको कहाँ मिली थी कहाँ? ये हमें कांठ में स्टेट बैंक के बाहर गेट के बाहर सड़क पर पड़ी मिली थी। पता चला कहाँ की है, कुछ बताया इन्होंने क्या? इन्होंने बताया था कि हरियाणा से हूँ मैं और मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली थी, एक बेटा है मेरा, एक सौतेली बेटी है, लेकिन ढंग से चीज़ें बता नहीं पा रही हैं, हस्बैंड का नाम नहीं बता पा रही हैं। ये कहा कि हस्बैंड हवलदार थे मेरे, और अभी पूछा था थोड़ी देर पहले तो बोला कि हस्बैंड नहीं है मेरे, और गली नंबर भी बता रही थी, गली नंबर 10 मैं रहती थी और शाम मोहल्ला, लेकिन अभी बात सही से करती हैं, अभी पता नहीं गुमसुम सी हो जाती हैं। तो देखो शायद यहाँ अच्छे स्थिति में रहने के बाद उनके कुछ मानसिक स्थिति में सुधार आए। मैं बच्चों से क्या कहेंगे, जो बच्चे माँ को निकलने नहीं समझते हैं, निकाल देते हैं? जो बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, मैं इस समाज से ये अपील करना चाहती हूँ कि ऐसे बच्चों का सोशल बायकॉट होना चाहिए। और वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उनसे 2 रुपए की भी चीज़ मत खरीदो। उनको अपने घरों में फंक्शन प्रोग्राम्स में बुलाना बंद कर दो, उनके फंक्शन प्रोग्राम में जाना बंद कर दो। वो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको इस तरीके से हिकारत की दृष्टि से देखो कि वो ये मलिच छुपाने के जो काम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैं आए दिन मेरे संज्ञान में आता है कि उसके बेटे ने घर से निकाल दिया, वो 2 दिन से भूखी पड़ी है। तो मेरे को बहुत दुख लगता है कि समाज की अगर यही तरक्की है तो हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। कहाँ जा रहा है समाज, बहुत हालत ख़राब स्थिति हो चुकी है समाज की।